Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Children, today we are going to start maths chapter number 12, multiplication readiness. When you add the same number over and over again, it is called repeated addition. जब हम कोई एक नंबर बार बार ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड एडिशन. यूज रिपीटेड एडिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रिपीटेड एडिशन का यूज करना है. ए, थ्री ग्रुप्स ऑफ फोर बुक्स ईच गिव्स डैश बुक्स. हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स है? थ्री ग्रुप्स. किसके? बुक्स के थ्री ग्रुप्स है. और एक ग्रुप में कितनी बुक्स है? फोर बुक्स. तो टोटल हमारे पास कितनी बुक्स होगी वो हमें काउंट करना है. एक ग्रुप में फोर बुक्स, ऐसे कितने? थ्री ग्रुप्स. तो फोर को कितनी बार? थ्री बार ऐड करना है. फोर प्लस फोर प्लस फोर, आंसर 12 बुक्स. बी, फोर ग्रुप्स ऑफ टू वाटर बॉटल्स एंड ईच गिव्स डैश वाटर बॉटल्स. अब हमारे पास वाटर बॉटल्स के कितने ग्रुप्स है? फोर ग्रुप्स. और एक ग्रुप्स में कितनी वाटर बॉटल है? टू. तो टोटल कितनी है वो अब हमें काउंट करना है. तो टू है, उसको कितनी बार रिपीट करना है हमें? फोर बार. चलो करते हैं. टू प्लस टू, फोर. फोर में हमें टू को ऐड करना है, सिक्स. अब सिक्स में और टू को ऐड करना है तो आंसर आएगा 8 वाटर बॉटल्स. सी, थ्री ग्रुप्स ऑफ फाइव पेंसिल ईच गिव्स डैश पेंसिल्स. हमारे पास पेंसिल्स के कितने ग्रुप्स है? थ्री. और एक ग्रुप में कितनी पेंसिल है? फाइव. तो फाइव को कितनी बार ऐड करना है? थ्री बार. चलो करते हैं. फाइव प्लस फाइव, आंसर 10. और 10 में और फाइव ऐड करने हैं तो टोटल कितनी पेंसिल्स होगी? 15. डी, फाइव ग्रुप्स ऑफ टू इरेजर्स ईच गिव्स डैश इरेजर्स. हमारे पास इरेजर्स के टोटल फाइव ग्रुप है, एक ग्रुप में टू इरेजर है. अब टोटल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? टू को फाइव बार ऐड करना है. चलो करते हैं. टू प्लस टू, फोर. फोर में और टू को ऐड करना है, सिक्स. सिक्स में टू को ऐड करते आंसर क्या मिलता है? एट. अब फोर बार हमने ऐड किया, अभी एक बार बाकी है तो टू को ऐड करते हैं तो टोटल आंसर क्या आएगा? 10 इरेजर्स. ई, टू ग्रुप्स ऑफ फोर क्रेयॉन्स ईच गिव्स डैश क्रेयॉन्स. टोटल हमारे पास क्रेयॉन्स के टू ग्रुप्स है, एक में फोर है तो टोटल फाइंड करने के लिए क्या करना है? फोर को दो बार ऐड करना है तो फोर प्लस फोर, टोटल कितने क्रेयॉन्स है? एट क्रेयॉन्स. ड्रॉ द शेप टू शो इक्वल ग्रुप्स, देन यूज रिपीटेड एडिशन टू फाइंड हाउ मैनी इन ऑल वन हैज बीन डन फॉर यू. अब हमें क्या करना है? हमको टोटल कितने ग्रुप्स है और टोटल कितने शेप्स है वो सेंटेंस में बताया है, उसके बेस पे हमें एक ग्रुप में शेप को ड्रॉ करना है. ए, फाइव ग्रुप्स ऑफ थ्री रेक्टेंगल ईच. अब हमारे पास रेक्टेंगल के टोटल कितने ग्रुप्स है? फाइव. एक ग्रुप में कितने रेक्टेंगल्स है? थ्री. आपको इस तरह सब ग्रुप में रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है. हमारे पास टोटल रेक्टेंगल के फाइव ग्रुप्स है और एक ग्रुप में तीन है तो टोटल फाइंड करने के लिए हमें तीन को फाइव बार ऐड करना है तो चलो करते हैं. थ्री प्लस थ्री, सिक्स. उसमें थ्री को ऐड किया, नाइन. उसमें थ्री को ऐड किया, ट्वेल्व. और ट्वेल्व में थ्री को ऐड किया, फिफ्टीन. टोटल हमारे पास 15 रेक्टेंगल है. बी, फोर ग्रुप्स ऑफ टू स्क्वायर ईच. अब हमारे पास टोटल फोर ग्रुप है और एक ग्रुप में टू स्क्वायर है तो सब ग्रुप में पहले आपको ऐसे स्क्वायर को ड्रॉ करना है और फिर टोटल फाइंड करना है. अब टू को फोर बार ऐड करना है तो टू प्लस टू, फोर. अब फोर में टू को ऐड करना है, सिक्स. और सिक्स में टू को ऐड करते आंसर क्या मिलता है? एट. टोटल रेक्टेंगल कितने हैं हमारे पास? एट. थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री ट्राइंगल ईच. अब हमारे पास ट्राइंगल के टोटल थ्री ग्रुप्स है, एक ग्रुप में थ्री है तो क्या करना है? पहले आपको थ्री ग्रुप्स में थ्री ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करना है और फिर टोटल फाइंड करना है. तो थ्री प्लस थ्री, सिक्स. अब सिक्स में थ्री को ऐड करना है तो टोटल कितने हैं हमारे पास? नाइन ट्राइंगल. डी, टू ग्रुप्स ऑफ सिक्स सर्कल ईच. अब हमारे पास सर्कल के टोटल टू ग्रुप्स है
और एक ग्रुप में कितने सर्कल्स है? 6। तो पहले आपको ऐसे ड्रॉ करना है और फिर हमें सर्कल का टोटल फाइंड करना है। तो 6 को दो बार ऐड करना है, 6 + 6 आंसर 12। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकअल्लाह, हैव अ नाइस डे।